on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. Namaskar, adab, sasrikal. This is your host Naveen Thakur. तो भाई स्नो के तो मज़े बहुत ले लिए हैं. तो भाई अगर ऐसी पार्टी में आप एंजॉय करना चाहते हैं, देखिए भाई लोग कर रहे हैं. एक्चुअली मैं आई डोंट ड्रिंक एक्चुअली, तो वो पी रहे हैं, अपना मज़ा कर रहे हैं. तो क्या करें, हम सूफी आदमी हैं. सूफी आदमी सिर्फ यू नो नेचर लवर है बेसिकली. तो नेचर लवर कह सकते हो यार, आई एम टोटली नेचर लवर. तो मुझे ऐसी चीज़ों में ज़्यादा शौक़ नहीं होता, हमें सिर्फ नेचर में शौक़ होता है, ऐसी नेचर में. तो अगर ऐसी नेचर का मज़ा लेना है यार, तो एक मैं बोल देना भाई कि हमें भी जाना है, ऐसे स्नोफॉल का मज़ा लेना है और ऐसा यू नो ऑफ रोडिंग करनी है. एक्चुअली रोड तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है आजकल, जब स्नोफॉल आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा हुआ है, तो अब रोड तो बहुत मुश्किल है दिखना. तो मेरा गिम्बल भी शायद ख़राब हो सकता है यार इससे, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है, उसके बाद गीला हो रहा है. तो गाइस अगर आपकी भी यू नो ख्वाहिश होगी थोड़ी बहुत घूमने की ऐसी वादियों में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और कोई भी चीज़ पूछ सकते हो. उससे पहले मैं सोच रहा था यार कि लाइव आऊँ सब यूट्यूब वालों से, अपनी जो फैमिली है यूट्यूब की, तो उसमें लाइव आऊँ बट नहीं आ सकता. उसका रीज़न यही था कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है. तो अभी हैं हम कोठी से ऊपर, तो और व्यू तो आप अल्टीमेट देख ही सकते हो यार. बाकी शाम तक, बेसिकली शाम से ट्राई करें कि जब यू नो बर्फ़ ऐसी पड़ी और उसके बाद अगले दिन ना आए ऐसे रोड ट्रिप पे. उसका रीज़न ये होता है कि जब नेक्स्ट डे आपका यू नो मौसम साफ़ हो जाएगा, तो ये बर्फ़ है ना बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगी, शीशे की तरह. तो यहाँ पे ब्रेक लगना बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसी गलती ना करना, ठीक है भाइयों. बाकी आप कमेंट सेक्शन में तो डाल ही सकते हो, तो व्यू कैसा लगा आपको इसके बारे में भी डालना. अच्छा फील हो रहा है या नहीं इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी लिखना. और प्लीज़ गाइज वो बताना जो जिसकी दिलो मन से ख्वाहिश है कि हम ऐसी जगह जाएं जो अभी राइट नाउ है, मतलब एक तरह से ड्रीम हो उसका. कि काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा, मुझे पता है काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार ड्रीम की बात कर रहे हो, ये कौन सी बड़ी जगह है. तो बहुत अच्छी जगह है, तो काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा ऐसे लाइव स्नोफॉल और पीछे यू नो गाड़ी के ऊपर बैठ के अपना इंजॉय करते हुए. तो बताएंगे अपने बारे में, तो बहुत टाइम है बताने का. तो बस थोड़ी देर बाद, तो इस जिस हिसाब से यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मनाली माल रोड में भी स्नोफॉल हो रहा होगा. तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो यार कि क्या क्या आपकी इच्छा है, क्या क्या है. तो मैं चलिए आपको ले चलता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है. तो आपका एक पुराना चेहरा जो दिखेगा आपको, वो दिखाऊँगा मैं, कटप्पा जी. और एक चीज़ ज़रूर बोलोगे आप कि कटप्पा जी हमेशा यू नो बिना जैकेट के आते हैं. तो ये कटप्पा जी बिना जैकेट के. तो यार हाँ, यहाँ ऐसी जगह का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको यू नो कोल्ड ड्रिंक और उस ड्रिंक के लिए आइस क्यूब नहीं चाहिए होते हैं. समझ गए होंगे ना क्यों नहीं, क्योंकि हम यहाँ लेंगे नेचुरल आइस क्यूब्स. अरे ये कटप्पा जी देखिए बिना जैकेट के हर बार, क्योंकि लास्ट टाइम हमने रोहतांग पास के लिए पूछा था, कटप्पा जी ने जैकेट नहीं पहनी है. तो यहाँ देख ही सकते हो कटप्पा जी को अच्छे ठंड नहीं लगता. कटप्पा जी क्या ठंड नहीं लगता आपको? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड लगता है. तो यार पहन के आ जाया करो. कोई नहीं नेक्स्ट टाइम. तो भाई ये नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं. तो वैसे कटप्पा को ठंड लगता नहीं है. ये हमारे अरुण भाई हैं. जाम जाम तेरे नाम जाम, ये दोनों है जाम वाले भाई हम. हो मेरा जामला बाहर चल उसमें आगे लगू को जामला मेरा जाम. तो भाई मेरा जाम आने वाला है, तो प्लीज वो बहुत ज्यादा महंगी है, यू नो जॉनी वॉकर से भी महंगी है. तो उस पर भी कमेंट कर सकते हो आप कि कैसी लगी आपको. आपको दिख ही रहा होगा मेरा जाम, चेस चूज किया तुमने. अच्छा तुम स्टार्ट भी हो गए यार, देखो मेरे बिना ही स्टार्ट हो गया यार. ऐसे भी होते हैं लोग आजकल. ये देखिए ये भाई सब पीते हैं ये जाम पीते हैं, खला आम पीते हैं, सब पीते हैं, मतलब छोड़ते नहीं पर पचती नहीं. देखा देखो शरीफ आदमी के कुछ भी हो गए इससे कर, वो पचता नहीं है बट इनको पचती सब ना. तो भाई ये देखना, अभी हम जो तीन बंदे हैं वो इसी साल तीन बंदे दिख रहे हैं आपको घूमते हुए, बस अगले साल तीनों शहीद होने वाले हैं. ये तो पागल है, उल्टी बातें करेगा. शहीद का मतलब समझते हो भाई? तीनों शहीद का मतलब नहीं समझते. अरे शादी करने वाले हैं यार,
बट इस बंदे की नहीं बता सकता कब करेगा ये शादी। इसका भी लगता है मुझे 8-10 साल लगेगा, क्योंकि बच्चा अभी शायद कुल मिला के 8-10 साल का होगा। स्नो कटर आया है भाई। तो भाई स्नो कटर ये है स्नो कटर ना। अगर घूमने आपने खुद ऊपर तक तो स्नो कटर नीचे से मनाली से आप किराए पे ले सकते हैं। हाँ शायद इसका रेंट 1000 रुपये पर पर्सन होगा, सॉरी पर पर्सन ही एक दिन का। यार मजाक कर रहा था, इसका कोई रेंट नहीं है तो बर्फ फंसने का नहीं है, ये बचाने भी नहीं आते। ये भी वापिस जा रहे हैं कि अब हमसे स्नो नहीं काटी जाती। फिर भाई रोहतांग पास में कितनी होनी इस टाइम बर्फ? 4 फीट और गुलाबा में 1.5 फीट। अब हमें टेंशन नहीं है यार, अब चाहे मनाली में अभी 10 फुट भी पड़ जाएगी, स्नो कटर है अपने पास और स्नो कटर काटते काटते जाएंगे हम तिल मनाली। तो भाई बोल रहे हैं हमारे जो कि रोहतांग पास में अभी हो चुकी है लगभग 4 फीट बर्फ, और तो जो गुलाबा है वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 फीट पड़ चुकी है बर्फ। तो अब गुलाबा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में कहा था आपको कि गुलाबा जाएं और यू नो बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं। तो अब मैं कहूँगा नहीं कि गुलाबा जाएं और बर्फ़ का मज़ा लें, क्योंकि अब कहूँगा मैं आपको डायरेक्ट कि जाएं कहाँ मनाली और बर्फ़ का मज़ा लें। तो भाई ये था आपका क्या करोगे रोहतांग पास जाके, असली मज़ा तो आप यहाँ लोगे। तो चलिए यार काफ़ी लंबी वीडियो बनेंगी अब, तो थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगा उसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत विद कटप्पा।